शहर में रामनवमी की तैयारी शुरू हो गई है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस अवसर पर अखाड़ा जुलूस निकालने की तैयारी में शहर की विभिन्न समितियां जुट गई हैं। समितियां अखाड़ा जुलूस को भव्य बनाने में जुटी हुई हैं। हीरापुर हरि मंदिर में व्यवसाय समिति द्वारा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हरि मंदिर के बीचों बीच अखाड़ा खेलने के लिए विशाल स्टेज बनाया जाएगा, जहां खिलाड़ी अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हैरत अंगेज कारनामे दिखाएंगे। इसके पूर्व हटिया स्थित महावीर मंदिर में बजरंग बली को पताका चढ़ाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस हरि मंदिर परिसर पहुंचेगा, जहां झांकियां निकाली जाएंगी। जी भैया बताया, कैसे तैयारी कैसी चल रही है रामनवमी को लेके? अखाड़ा कब से शुरू हुआ? भैया बताइए कि रामनवमी को लेकर तैयारी कैसी चल रही है? हर साल से अच्छा ही चल रहा है इस बार, हर साल से जी। ए, रुको। जी भैया, अब तैयारी कैसी चल रही है रामनवमी को लेके? तैयारी भैया बहुत धूमधाम से चल रही है जी। और बढ़ चढ़ के चल रही है। इस बार महाबली बजरंग बली भी आने वाले हैं, मतलब वो धनबाद में पहली बार आएंगे, हमारे धनबाद क्षेत्र में पहली बार आएंगे जी। और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, और बाकी तो सबका सहयोग है, सब है ही है। और अखाड़ा जितना ही बढ़िया से हो रहा है, क्योंकि बाकी सारा अखाड़ा तो बंद ही, मोटा मोटी एक दो अखाड़ा है जो उनको लेकर हम लोग निभा रहे हैं, चल रहे हैं। और ये अखाड़ा को हम लोग चाह रहे हैं कि धनबाद के एक नाच हो। क्या नाम है अखाड़ा का? राजा बाबू हीरापुर हटिया। अखाड़े का नाम क्या है? व्यवसाय समिति हीरापुर हटिया। कितने मतलब खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ये आपका 1950 से अखाड़ा हम लोग का शुरू। इस बार खास क्या है? इस बार खास है झाकी तो है, झाक है, खास है आपका बजरंग बली जी, जो 7 फीट 8 फीट का बजरंग बली है, अद्भुत चीज़ है, मतलब धनबाद में पहली बार आएंगे। चलो, क्या नाम हुआ आपका? राजा बाबू। एक बार और बोले बोले बोले।